Hello everyone, good evening, and how are my dear learners? I am Shrestha Srivastava, your English educator on your own channel, Just 9th and 10th. Your one-stop solution to all the questions, all the queries, and all the concerns that you have regarding a syllabi of class 9th and class 10th. So, kaisi bhi bacha party? Hi Anjali, good evening. Good evening Yash. Hello bacha, good evening all of you. I welcome each and every one of you on today in today's session, because in today's session we are going to continue with our discussion of a very amazing chapter by an amazing writer Dr. H.G. Wells, जिन्होंने The Invisible Man, जो कि यूनिवर्सल बेस्ट सेलर नॉवल है, वो लिखी थी, और उसी का एक शॉर्ट वर्जन हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि एक साइंटिस्ट के बारे में है. जो साइंटिस्ट कैसा है, बहुत ही ब्रिलियंट है, लेकिन ही टर्न आउट टू बी एन ईवल ह्यूमन बींग, और उसका नाम है ग्रिफिन. उसी के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ना चालू किया था. आज का जो सेशन है, सेकेंड सेशन है, सेकेंड लेक्चर है चैप्टर का, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, all right, I'm good beta, thank you for asking. Okay, but before we get into today's discussion, aaj ka discussion start kare, usse pehle mandatory hai that I must introduce myself, especially for those learners who are watching this particular video for the very first time. I am Shrestha Srivastava and I have done my master's in clinical psychology, and for the past more than 7 years I have been working as a teacher of English subject. And in this duration of more than 7 years, I have tutored and guided more than 5000 students from class 9 to class 12 of CBSE board. And today I am here on this particular channel, amazing channel, your own channel of Just 9th and 10th, where I have brought for you a detailed discussion, line to line, word to word discussion on the chapter titled as Footprints Without Feet, where we are going to have your proper discussion, and not only discussion, but apart from the discussion, towards the very end, we are also going to have a quiz based upon this particular chapter. Because हमारा जो ये channel है Just 9th and 10th, उसका एक theme है, that is learning with evaluation. तो यहाँ पे लर्निंग तो हमेशा ही होती है, इवैल्यूएशन भी साथ साथ चलता रहेगा, राइट? चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन है. हाय भाविका, गुड इवनिंग बेटा. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे पास आप लोगों के लिए है. गाइज, अगर अभी तक भी आप लोगों ने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो ट्राई टीचर की बात सुनो. बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट टीचर कर रही है कि फटाफट से टेलीग्राम ऐप को अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से बेटा डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर डाउनलोड करने के बाद आपको ये करना है कि ये जो चैनल जिसका एक URL आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, t.me/justclass9th10, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको करना है क्लिक, और आपको उसको करना है ज्वाइन. अगर आप मेरे कोई भी डेली स्पेशल क्लासेस जो मैं लगाती हूँ ओनली ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, या फिर जो भी मैं डेली YouTube सेशन लेती हूँ बेटा, अगर आप उनको मिस नहीं करना चाहते हो एंड यू रिक्वायर ऑल द डेली नोटिफिकेशंस और डेली नोटिसेस अबाउट द सेम, अगर आपको डेली नोटिफिकेशंस चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको इस टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस पर्टिकुलर चैनल को ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पे बेटा हम डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशंस पोस्ट करते रहते हैं रिगार्डिंग आर अपकमिंग सेशंस, सो दैट आवर लर्नर्स शैल नॉट मिस अ चांस ऑन लर्निंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. तो गाइज, अगर आप मेरा कोई भी सेशन, लाइव सेशन मिस नहीं करना चाहते हो, चाहे वो स्पेशल क्लास का हो या यूट्यूब सेशन का हो, तो फटाफट से t.me/justclass9th10 इस पे क्लिक कीजिए. इसी बेटा इसी लिंक का, यू नो, इस पर्टिकुलर URL का एक डायरेक्ट लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, डायरेक्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो काइंडली गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइज एंड ज्वाइन दिस पर्टिकुलर चैनल इमीडिएटली. ओके ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड कर लिया है, तो आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको ये करना है कि तुरंत आपको बेटा अन अकेडमी लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि अन अकेडमी लर्निंग ऐप जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो आपके लिए बेटा इंडिया भर के टॉप एजुकेटर्स को लेकर आया है, और ये टॉप एजुकेटर्स आपको गाइड करते हैं, आपको अमेजिंग कोर्सेज देते हैं बेटा, जिससे आपकी लर्निंग और आपकी सक्सेस 100% गारंटी हो जाती है. और इन्हीं में से बेटा अन अकेडमी लेकर आया है आप लोग के लिए अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां पे बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे बेटा, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे अमेजिंग प्लस कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं, विच आर इन लाइन विद योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, जो कि एग्जामिनेशन राइट अपने हेड पर है, सर पे नजर आ रहे हैं अपने एग्जामिनेशन, राइट? सो अगर हम पीछे नहीं छूटना चाहते हैं और हमें अपने एग्जामिनेशन में एक्सेल करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो हमें क्या करना है, अन अकेडमी के प्लस कोर्सेज को एनरोल कराना है. बच्चा घर में रहो, सुरक्षित रहो, चाहे बाहर सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अन अकेडमी आप लोग के लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लेकर आया आपके मोबाइल स्क्रीन पे. एक छोटी सी ऐप में बेटा मिलती है पूरी दुनिया नॉलेज की,
राइट right? और इन प्लस कोर्सेज को बेटा जो डिजाइन किया गया है दे प्रोवाइड यू विद लाइव इंटरैक्टिव सेशंस, यहाँ पे लाइव क्लासेस चलती है बच्चा, और क्योंकि लिमिटेड एनरोलमेंट्स होते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, यू कैन हैव एन अमेजिंग एंड हाईली इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस रिगार्डिंग योर टॉपिक्स विद योर फेवरेट एजुकेटर्स। प्लस वहां पे चलता है बेटा लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड। पोल्स में क्या होता है, क्विज होता है, जो आपको सिखाया जाता है बेटा उसी में बेसिस पे पोल्स किए जाते हैं एंड यू एक्चुअली पार्टिसिपेट इन दोस पोल्स लाइव, और आपका जो वहां पे रैंकिंग होता है वो लीडर बोर्ड पे शो होता है, तो यू फील मोटिवेटेड, यू फील हाईली ड्रिवन टू परफॉर्म बेटर, टू लर्न बेटर, टू नो बेटर, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स बेटा, अ मोटिवेटिंग फोर्स टू नो ग्रेट, नो टू अचीव ग्रेट सक्सेस इन ग्रेट नॉलेज। ऑफकोर्स ड्राइविंग बहुत जरूरी होती है बेटा, मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है लर्निंग के अंदर, और ये जो पोल्स होते हैं बेटा ये वही ड्राइव आपको प्रोवाइड करते हैं। प्लस इसमें हम क्या क्या मिलता है बेटा, डाइव डाउट सॉल्विंग सेशन। देखो डाउट लेकर के कभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं जाना है, सारे डाउट्स को बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही क्लैरिफाई करना है, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के हॉल में अपन डाउट लेके गए इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रिपरेशन ढंग से करी ही नहीं एंड वी वर रेडी फॉर फेलियर, और जिसके लिए हम तैयार हैं। और अन अकेडमी के प्लस कोर्स बेटा इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि हर 3 सेशंस के बाद आपको अलग से सेपरेटली एक डाउट सॉल्विंग सेशन मिलता है विद योर फेवरेट एजुकेटर, जहां पे आप लाइव चैट के थ्रू अपने एजुकेटर से आपके सारे डाउट सॉल्व करा सकते हो, जिसकी वजह से बेटा आपकी लर्निंग अधूरी हो रही है। दिस इज समथिंग अमेजिंग, समथिंग वेरी वाइटल टू इंश्योर ग्रेट सक्सेस इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। प्लस आपको क्या देता है बेटा, वीकली टेस्ट एंड नोट्स। कभी भी टेस्ट से भागना नहीं है, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, और टेस्ट के बूते अपन को मिलते हैं बहुत ही अच्छे नंबर। और ये जो प्लस कोर्सेज होते हैं बेटा, यहाँ पे वीकली टेस्ट होता है, मेगा टेस्ट भी होता है, और इतने हाईली एक्सपीरियंस जो टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के बेटा, वो आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ जो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो नोट्स है बेटा, आप इमेजिन कीजिए कितने सालों के एक्सपीरियंस टीचर्स के नोट्स हैं, तो कितने वाइटल होंगे, कितने अच्छे होंगे, कितने क्रिस्प होंगे, जिससे अपना पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा नॉलेज बेटा जो है वो एकदम एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो फटाफट से हमें क्या करना है, प्लस कोर्स के एनरोल करना है, और इसमें होता है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मतलब क्या हो बच्चा, कि जिस भी पर्टिकुलर क्लास के जिस भी कोर्स में आप एनरोल करा रहे हो, वहां पे जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, जो भी प्लस कोर्सेज लॉन्च किए हैं, चाहे वो लाइव चल रहे हो या उनके रिकॉर्ड सेशन हो, आप सब देख सकते हो बिना किसी रुकावट के, राइट। सो यू गेट ऑल दीज थिंग्स बेटा ओनली व्हेन यू एनरोल टू दी सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी। और एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान का बेटा डिटेल आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आएगा, जहां पे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि 9th से लेकर के 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान में पढ़ने को मिल जाएंगे। और मेरे जो 9th और 10th के लर्नर्स हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, स्पेशली जो मेरे 10th क्लास के लर्नर्स हैं बेटा, आई वुड रेकमेंड टू यू गाइज दैट यू शुड एनरोल फॉर द 24-month प्लान, क्योंकि इसको अगर आप 2 साल के लिए एनरोल कराओगे तो 10th तो अभी चली रही है, नेक्स्ट 11th है बेटा, फिर 12th है, तो आप चाहे आर्ट्स की स्ट्रीम लीजिए, कॉमर्स लीजिए, या फिर आप साइंस लीजिए, अपने सारे सब्जेक्ट्स बेटा वहां पर अवेलेबल है, सारे टॉप एजुकेटर्स वहां पर पढ़ा रहे हैं, उनके सारे कोर्सेज आप एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान में अगले 2 साल तक बिना किसी रुकावट के पढ़ सकते हो, चाहे लाइव सेशन हो, चाहे रिकॉर्ड सेशन हो, सब देख सकते हो आप, राइट। एंड अगर आपके पेरेंट्स चाहे बेटा, उनको फीजिबल लगे, तो वो मंथली बेस पे भी पे कर सकते हैं, जस्ट 938 पर मंथ आपको पे करना है फॉर 24 months। और इसी प्लान को अगर तुम 3 साल के लिए एनरोल कराओगे, so the price will come down, discount will increase, and you only have to pay 900 per month, that's it। और पता है क्या, एनरोल कराते टाइम एक जगह बेटा रेफरल कोड का नाम आएगा, तो वहां पर मेरा रेफरल कोड एंटर करना, जो मेरा नाम भी है श्रेष्ठा, दैट्स माई रेफरल कोड SHRESSTH, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको लिखो, टाइप करो कैपिटल लेटर में और इसको अप्लाई कर दो, उससे क्या होगा, इंस्टेंटली आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। एंड जो कॉस्ट होगा बटे फॉर 24 months विल कम डाउन टू 22,500। और अगर आप 12 महीने के लिए एनरोल कराने चाहते हैं बेटा, तो कॉस्ट विल कम डाउन टू 13,500 ओनली। सोच के देखो बेटा, 13,500 में पूरे साल तक आप 10th और 11th दोनों पढ़ सकते हो, और अगर 24 months का एनरोलमेंट ले लोगे तो 10th, 11th एंड 12th सब सेट हो जाएगा बेटा, सब पढ़ सकते हो केवल 22,500 की बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट पे। Because An Academy has got a vision to provide quality education, high quality education to each and every nook and corner of this particular country, to each and every learners. और इसीलिए बेटा ये जो plus courses हैं, ये ऐसे ही design किए गए हैं, which are at very nominal cost. And of course, these are the different channels, methods of payment available. आप चाहे तो आपके parents debit card या credit card के through payments कर सकते हैं, उन payments को वो no cost EMI यानी कि easy monthly installments में भी convert करा सकते हैं, UPI, wallets या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट्स किए जा सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट चैनल्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल। हाय विपुल, गुड इवनिंग बेटा। ओके, तो ये सारे चैनल्स अवेलेबल है बेटा आप लोगों के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए, तो प्लीज फटाफट से प्लस कोर्स में एनरोल कराओ। और एनरोल कराते टाइम मेरा जो लीडर कोड है, दैट इज श्रेष्ठा SHRESSTH, इसको यूज करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है।
एंड अगर आपको अपनी सक्सेस को गारंटी करना है, एक लेवल अप जाना है बेटा, सो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान्स ऑफ अन अकेडमी. अन अकेडमी पहली बार बेटा सीबीएसई के बच्चों के लिए लेकर आया है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलने वाले. बट ओवर एंड अबव दैट यू ऑल्सो गेट योर ओन पर्सनल मेंटोर. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बनेंगे बेटा आपके मेंटोर, जो आपके जो भी मेंटल ब्लॉक्स हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, जिससे आपकी लर्निंग जो है आपकी फुलेस्ट पोटेंशियल तक नहीं जा पा रही है, उसको आपको रिजॉल्व करने में मदद करने वाले, आपको गाइड करने वाले, और बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं बेटा ये जो आपके मेंटोर्स बनने वाले हैं. सो दे आर गोइंग टू हेल्प यू टू वॉक नो वेरी वेरी स्मूथली ऑन दिस पाथ ऑफ सक्सेस. और वहां पे क्या मिलेगा आपको, 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम मिलेगा अपने मेंटोर्स का, जहां पे आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस 1-to-1 अटेंड करने का मौका मिलेगा अपने टॉप एजुकेटर्स के साथ बेटा. एंड वहां पे वीकली रिपोर्ट्स आपको दी जाएगी कि आपकी लर्निंग कैसी चल रही है, क्या क्लासेस आपने अटेंड करी है, कितनी आपकी प्रोग्रेस है. ऑल द थिंग्स शैल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन वीकली बेसिस. और आपके साथ बेटा मिलके एक स्टडी प्लानर भी क्रिएट किया जाएगा, जहां पे मंथली रिव्यूज होंगे. ये ट्रैकर प्लान है बेटा, यहाँ पे आपकी लर्निंग पे ट्रैक रखा जाएगा. एंड वी विल एंश्योर कि आपको जो ग्राफ है बेटा वो ऐसे जाके ऐसे नहीं जाए, वो ऐसे जाके ऐसे ही जाए और आपकी सक्सेस को जाके टच करे थ्रू दिस पर्टिकुलर स्टडी प्लानर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर पेरेंट्स ऑल्सो गेट अ चांस टू कनेक्ट विद योर टॉप मोस्ट एजुकेटर, योर पर्सनल मेंटर के साथ उनको कनेक्ट होने का मौका मिलेगा और उनको ओपन आवर्स दिए जाएंगे, जहां पे वो अपनी कंसर्न जो है बेटा वो अपने आपके पर्सनल मेंटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं. और आप बेटा हम जो है आपको गारंटी कर सकते हैं टू गेट हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस, टू गेट अ होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस एंड टू एंश्योर 100% सक्सेस. राइट. हाई प्रियंका, गुड इवनिंग आकाश, आई एम गुड बेटा, थैंक यू फॉर आस्किंग. हाय अंशुनंद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग. चलिए, एंड ये है बच्चा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान का डिटेल. इसमें 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चे एनरोल करा सकते हैं, एंड क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और प्लस के सारे बेनिफिट्स एक ही के अंदर आ जाएंगे. तो बेटा एक धमाकेदार पैकेज है, एक ही में सब चीजें मिल रही है, प्लस भी मिल रहा है, क्रिएटिव कॉर्नर मिल रहा है, और अपनी जबरदस्त पढ़ाई तो मिल ही रही है, और मेंटोर का साथ भी मिल रहा है विद टॉप नॉच एजुकेटर्स है. राइट. एंड बच्चा इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन प्लान को भी आप अलग अलग ड्यूरेशन के लिए एनरोल करा सकते हैं. आई वुड रेकमेंड दैट यू गो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, बिकॉज उससे जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है वो काफी ज्यादा यूज हो जाएगा. तो 18 मंथ्स, 24 मंथ्स और 36 मंथ्स, आप तीनों में से ये जो है प्लान से आप इसको ऑप्ट कर सकते हो. एंड इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर 24 मंथ प्लान बेटा, यू ओनली हैव टू पे 2000 रुपीज पर मंथ. और अगर इसी प्लान को अगर आप 36 मंथ्स के लिए बेटा एनरोल कराते हैं, यू ओनली हैव टू पे 1833 पर मंथ, दैट्स इट. राइट. एंड बच्चा पार्टी, यहां पर भी एनरोल कराते टाइम मेरा जो कोड है दैट इज श्रेष्ठ, उसको यूज करना मत भूलना, ताकि आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट. बेटा दीज आर द टोटल अमाउंट ऑफ मनी योर पेरेंट्स हैव टू पे इफ यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान. एंड ट्रस्ट मी, दिखने में अमाउंट अभी बड़ा लग रहा है बेटा, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो 18 मंथ्स और 24 मंथ्स का है बेटा. और अगर आपके पेरेंट्स को थोड़ा सा कन्वीनियंट लगे, और जो कन्वीनियंट होता भी है, दे कैन पे ऑन मंथली बेसिस. मंथली बेसिस पे कर सकते हैं 1000-2000 रुपए बेटा, 2000 रुपीज पर मंथ फॉर 2 ईयर्स, एंड 1853 रुपीज 33 रुपीज पर मंथ जो है वो 36 मंथ का प्लान है. तो फटाफट से बेटा एनरोल करा लो. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान में तुम्हें सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तुम्हें प्लस के सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और बेटा टॉप मोस्ट एजुकेटर जो तुम्हारे गाइड बनेंगे, तुम्हें 360 सपोर्ट सिस्टम मिलेंगे बेटा. सब कुछ मिलेगा ओनली थ्रू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी. तो उससे क्या मिलेगी बेटा, 100% सक्सेस की गारंटी. ये बात तो डन डील है. राइट. एंड बच्चा ये है आपके डिफरेंट चैनल्स और मेथड्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वॉलेट्स, इनके सब के थ्रू आप पेमेंट्स करवा सकते हैं. राइट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. एंड दिस इज बेसिकली अ स्नैपशॉट ऑफ माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके, जहां पे बेटा आपको मिलता है अलग अलग चीजों पे का अलग अलग बेटा आपके साथ डायरेक्ट लिंक, जैसे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का एक डायरेक्ट लिंक अवेलेबल है. यू ऑल्सो गेट अ डायरेक्ट लिंक फॉर बेटा दिस पर्टिकुलर हाउ टू गेट योर इन टच विद योर एजुकेटर्स. अगर आप अपने कोई भी क्वेरीज बेटा, कोई भी क्वेश्चन हमसे रिजोल्व कराना चाहते हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एक फीडबैक फॉर्म का ये छोटा सा लिंक आपको नजर आएगा बेटा, हल्का सा 2 मिनट का फीडबैक फॉर्म है, उसको फिल करो, एंड योर एजुकेटर्स यानी कि वी विल गेट बैक टू यू टू रिजॉल्व योर क्वेरीज.
एंड दिस इज माई अन अकेडमी प्रोफाइल, ये मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल है बेटा। नो दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल का डायरेक्ट लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, इस पर क्लिक कीजिए बेटा एंड यू विल बी एबल टू जॉइन मी। एंड देन व्हाट इज सपोज टू डू इज यू सपोज टू फॉलो मी ऑन माई प्रोफाइल सो दैट यू कैन अटेंड ऑल माई स्पेशल क्लासेस लाइव एज वेल एज यू कैन ऑल्सो वॉच माई रिकॉर्डेड लाइव सेशन रिकॉर्डेड सेशन ऑफ स्पेशल क्लासेस। बच्चा यहाँ पे फॉलो करने के बाद आपके अन अकेडमी प्रोफाइल पे रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहेंगे और जो भी क्लासेस आपके लिए वाइटल है बेटा आपको ज्वाइन करनी है आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं राइट। और इसी पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करने का डायरेक्ट लिंक। सो ये क्या है बेटा, ये है अपना पेंडोरास बॉक्स। ओके तो इन पर्टिकुलर लिंक्स को यूज कीजिए बेटा, दे आर फॉर योर कन्वीनियंस, दे आर फॉर योर ओन हेल्थ राइट। ओके हाय महक, गुड इवनिंग, आई एम गुड आकाश, थैंक यू फॉर आस्किंग। सो आप शुरुआत करेंगे बेटा हमारे चैप्टर की, जहां पे हमने इसको छोड़ा था वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। इफ यू रिमेंबर इन माय प्रीवियस सेशन वी वर टॉकिंग अबाउट अ ब्रिलियंट बट अ लॉलेस पर्सन, ब्रिलियंट साइंटिस्ट सॉरी बट अ लॉलेस पर्सन एंड हिज नेम वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन जो है बेटा वो इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर, और ग्रिफिन क्या है बेटा, ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और उसने बेटा एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट कर करके और कुछ रेयर ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद अपनी पूरी बॉडी को क्या कर लिया था, इनविजिबल कर लिया था। सो हिज बॉडी वॉज एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास बट वॉज एज सॉलिड एज ग्लास एज वेल। सो हिज बॉडी वॉज नॉट थिन एयर, ही वॉज एज सॉलिड एज यू एंड मी बट ही वॉज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। जो कहानी की शुरुआत थी बेटा वहां पे हमने क्या पढ़ा था, दैट दे वर टू स्ट्रीट किड्स हु वर फैसिनेटेड बाय द अपीयरेंस of mud footprints that were coming right in front of them, were appearing right in front of them out of nowhere. बेटा उन बच्चों की आंखों के सामने अचानक से bare muddy footprints अपने आप आ रहे थे बेटा, एक के बाद एक। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे बेटा दोनों जो थे वो बड़े उनमें बड़ा एक्साइटमेंट हो गया एंड दे स्टार्टेड फॉलोइंग दोस ghastly और एक से ghostly footprints, उसको फॉलो करना शुरू किया। बट इवेंचुअली बेटा वो जो फुटप्रिंट्स है वो फेंट होते चले गए, हल्के पड़ते चले गए, फाइनली वो मिटर गए। लेकिन एक्चुअली बेटा इस क्यूरियस इंसिडेंट के पीछे राज क्या था, दीज वर द फुटप्रिंट्स ऑफ द इनविजिबल मैन। एंड इनविजिबल मैन बेटा हु हैज सेट फायर टू द एंटायर हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड बिकॉज हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ही वांटेड द ग्रिफिन टू लीव द अपार्टमेंट। तो ग्रिफिन ने क्या किया बेटा, अपने लैंडलॉर्ड से बदला लिया और उनका पूरा का पूरा अपार्टमेंट जला दिया। और फिर इस डर से कि कोई उसको पकड़े नहीं, ही रिमूव्ड ऑल हिज क्लोथ्स, बिकेम एब्सोल्युटली इनविजिबल, ही रैन अवे फ्रॉम द प्लेस। बट इवेंचुअली बेटा उसको रियलाइज हुआ कि ये टाइम इनविजिबल होने का बहुत ही खराब टाइम था बिकॉज दिस वॉज अ टाइम ऑफ मिड विंटर्स एंड लंडन जो था बेटा वो फ्रीज कर रहा था। सो ग्रिफिन हैज डिसाइडेड टू सेव हिमसेल्फ एंड ऑर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, वो कहाँ गया बेटा, वो गया एक बड़े से स्टोर में। और वहां पे बेटा जब रात को स्टोर बंद हो गया, ग्रिफिन ने वहां पे कपड़े पहने विदाउट इन रिगार्ड टू द कॉस्ट, और आपको ध्यान है उसने बेटा कुछ खाने को भी लिया था वहां से। प्लान क्या था कि वो एक रात को यहाँ पे रुकेगा और अगले दिन सुबह जब ये मॉल खुलेगा तो इतनी ज्यादा भीड़ होगी, क्राउड होगी कस्टमर्स की, उनमें से बेटा वो आराम से यहाँ से निकल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ग्रिफिन का जो ये प्लान था वो भी फेल हो गया बिकॉज ही ओवरस्लेप्ट, क्योंकि वो ज्यादा सो लिया, और जब तक वो उठता उससे पहले ही स्टोर के असिस्टेंट्स आना शुरू कर दिए। और जैसे ही ग्रिफिन को ये लगा कि यहाँ पे लोग आने लग गए हैं, ही वॉज वेयरिंग दोज क्लोथ्स सो ही वॉज विजिबल, हिज बॉडी वॉज विजिबल, सो ही बिकेम टेरिबली स्केयर्ड। और वो जब वहां से भागा तो कुछ स्टोर असिस्टेंट्स ने उसको देख लिया और नेचुरली बेटा कि उन्होंने क्या किया, उसको चेस किया बिकॉज दे थॉट देयर वाज अ थीफ इनसाइड द स्टोर। एंड नाउ ग्रिफिन हैड टू रिमूव दोज क्लोथ्स, दोज न्यूली फाउंड क्लोथ्स बेटा, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। और जिस कंडीशन में ग्रिफिन उस बड़े से स्टोर के अंदर आया था, सिमिलरली बेटा सेम कंडीशन में वो बड़े स्टोर से बाहर निकल गया। एंड नाउ ही इज अगेन कंप्लीटली नेकेड वॉकिंग अराउंड इन द ऑन द फ्रीजिंग रोड्स ऑफ लंडन। ही हैज नो प्लेस, no money, no home, no friend, nobody with whom to whom he can go, okay, with whom from whom he can ask for help. तो ये condition हो गई बेटा ग्रिफिन की, right? बेटा जो जो हमारा सैंपल पेपर होता है वो उसको बोला ही सैंपल पेपर जाता है बेटा बिकॉज इट इज जस्ट अ ब्लू प्रिंट ऑफ वॉट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन, इसलिए तो सैंपल पेपर है। हाय दीपा, गुड इवनिंग, हेलो मंदिरा, हाय, ओके गाइस चले, ऑल राइट।
ओके चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर चैप्टर। बेटा हमने ये पढ़ लिया था कि ग्रिफिन जो था उसको उस बिग स्टोर से भागना पड़ा था, रिमूविंग ऑल हिज क्लोथ्स। नाउ ग्रिफिन बेटा हैज मेड अनदर डिसीजन। अब पढ़ते उसने क्या किया बेटा, ही इज वॉकिंग अराउंड विदाउट एनी क्लोथ्स एंड इज फ्रीजिंग इन विंटर्स। ओके अब पढ़ो से क्या, पढ़ो से क्या डिसीजन लिया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थियोरिटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। अब ग्रिफिन ने ट्राई डिसाइड किया कि जो बिग स्टोर्स होते हैं वहां पे तो मल्टीपल शॉप्स होती हैं, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उस पर्टिकुलर बेटा ऐसे स्टोर्स को रॉब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट उसने डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएगा, वो किसी छोटी सी थिएटर की जो शॉप्स होती हैं, जो थिएटर होते हैं बेटा, जो ड्रामा होते हैं, आपको पता है वहां पे अलग अलग तरीके के विग्स मिलते हैं क्योंकि ड्रामा में सब चीजें यूज होती है बेटा, और यहाँ पे आप कह सकते हैं ड्रेसेस मिलती हैं, कपड़े होते हैं अलग अलग साइज के। तो ग्रिफिन को लगा कि ये आइडिया बढ़िया है एंड ही डिसाइडेड टू रॉब द स्टॉक ऑफ अ थियोरेटिकल कंपनी। यहाँ पे कंपनी का मतलब क्या है, शॉप, कंपनी हियर स्टैंड्स फॉर शॉप। ठीक है, वहां पे ना केवल वो कुछ कपड़े ढूंढेगा अपने साइज के, बट वो कुछ ना कुछ तरीका भी निकालेगा टू कवर द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर का मतलब क्या है, ही विल ट्राई टू फाइंड अ वे सो दैट हिज फेस वुड बिकम विजिबल एज वेल। केवल कपड़े पहनने से तो काम नहीं चलेगा, अगर उसकी जो फिगर है वो हेडलेस फिगर हुई सो इट लुक रियली वियर्ड टू द अदर पीपल। तो उसने डिसाइड किया कि वो कुछ ना कुछ ऐसी भी चीज ढूंढेगा, मे बी अ मास्क, ओके मे बी मे बी ही विल डू सम मेकअप ताकि उसका जो चेहरा है वो भी थोड़ा बहुत विजिबल हो जाए। राइट ओके नाउ शिवरिंग, शिवरिंग मीन्स शेकिंग विद कोल्ड, ही हरी टू ड्रूरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। बेटा लंदन में ड्यूरी लेन वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे थिएटर्स हैं, जहाँ पे बहुत सारी कंप्यूटर शॉप्स हैं, जहाँ पे ड्रामा वगैरह का सामान मिलता है। तो ड्यूरी लेन क्या है बेटा, ड्यूरी लेन इज द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड इन लंदन। तो ग्रिफिन जो था बेटा, ही डिसाइडेड टू वॉक इन दैट डायरेक्शन। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड। बेटा जो ग्रिफिन था वो उसने क्या किया, वो इस पर्टिकुलर शॉप के अंदर घुसा, उसको एक छोटी सी शॉप दिखी बेटा, पुरानी सी वो शॉप थी, उसके अंदर वो गया, वो ही वाज कंप्लीटली इनविजिबल। ही वेंट अपस्टेयर्स, वो शॉप जो थी बेटा वो नीचे थी और ऊपर जो था वो शॉप ओनर का घर था। सो ही वेंट अपस्टेयर्स, थोड़ी देर के बाद वो वापस आया बेटा, लेकिन अब वो इनविजिबल नहीं था बिकॉज नाउ ही वॉज वेयरिंग बैंडेजेस, जैसे हमारी पट्टियां होती है बेटा उनको बैंडेजेस कहते हैं। ही वॉज वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, वो अपने फोरहेड के ऊपर बेटा से क्या पहन रखी थी, लगा रखी थी पट्टियां, लगा रखी थी बैंडेजेस, लगा रखी थी। ओके ना डार्क ग्लासेस, आंखों के ऊपर बेटा से डार्क बिग ग्लासेस पहन रखे थे। फॉल्स नोज, फॉल्स का मतलब क्या होता है, फेक, एक फेक नोज लगा रखी थी। बिग बुशी साइड विस्कर्स, साइड विस्कर्स क्या होती है, साइड बोन्स। ओके जैसे पुराने जमाने में बेटा अगर आपने मूवीज वगैरह में देखा हो, सो पीपल यूज टू हैव बिग बिग नो साइड बोन्स, लड़कों की बहुत बड़ी बड़ी साइड की बुशेस हुआ करती थी, साइड बॉल्स कहलाती हैं बेटा, बुशी साइड विस्कस कहते हैं उनको। एंड अ लार्ज हैट। तो उसने क्या किया बेटा, नॉट ओनली ही फाइंड सम क्लोथ्स फ्रॉम द थियोरिटिकल कंपनी और द शॉप बट ही आल्सो रॉब्ड सम बैंडेजेस, जिससे अपने पूरे चेहरे को उसने कवर अप किया। बट उसकी जो नोज थी उसको आपको पता है बैंडेज से कवर अप तो कर नहीं सकता था, अदरवाइज ही वोंट बी एबल टू यू नो टेक ब्रेथ। तो उसने क्या किया, नोज को बेटा दिखाने के लिए उसने एक फेक नोज जो थी अपनी नोज के ऊपर लगा ली, फॉल्स नोज, एंड यहाँ पर बेटा साइड इस वाले पर्टिकुलर एरिया को कवर अप करने के लिए ही पुट डाउन सम फेक विस्कर्स मीन साइड बोन्स। ओके एंड अ लार्ज हैट, और अपने सर को छुपाने के लिए बेटा ही पुट डाउन सम लार्ज हैट। He to escape without being seen, he cautiously means in an uncaring and a harsh manner attacked the shopkeeper from behind. अब उसने क्या किया बेटा, उसको ये डर था कि अगर शॉपकीपर ने मुझे इनविजिबल होते हुए देख लिया, मुझे देख लिया कि मैं इनविजिबल हूँ, तो हो सकता है वो मेरे बारे में किसी और को बता दे। तो उसने क्या किया ताकि वो पकड़ा नहीं जाए, उसने उस शॉप के जो शॉपकीपर था उसको बहुत बुरी तरीके से मारा और उसको बांध दिया और वहां से वो चला गया। अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसको पीछे से उसने हिट किया और बहुत ही अनकेयरिंग तरीके से, बहुत ही ईवल तरीके से उसको अटैक किया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और पूरे घर में से, पूरी शॉप में से ग्रिफिन को जितना भी पैसा मिला, ही टुक दैट पर्टिकुलर मनी फ्रॉम द शॉप एंड ही रैन अवे। ओके हाय सीमा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रावी। महक विस्कर्स यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, देखिए विस्कर्स जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं, विस्कर्स बेसिकली बेटा जो कैट्स वगैरह होती है, आपने देखा होगा जो कैट्स होती है, ओके उनके यहाँ पे इस तरीके से जो निकले रहते हैं बेटा वो होते हैं बेसिकली विस्कर्स, उसको विस्कर्स कहते हैं।
लेकिन लड़कों की बेटा साइड बर्न्स होती हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर वो बहुत ज्यादा, वो लंबी सी, वो पुराने जमाने में जो होती थी बेटा बड़ी बड़ी होती थी, हियर ऑन दिस साइड दे यूज टू हैव बिग साइड विस्कर्स, यहाँ पे ऑन द साइड, उसको साइड विस्कर्स भी कहते हैं और साइड बर्न्स भी कहते हैं। अभी जो बेटा फैशन में है वो तो छोटी छोटी साइड विस्कर्स है, लेकिन पुराने जमाने में बड़ी बड़ी साइड विस्कर्स हुआ करती थी। ऑल राइट, ओके चल आगे बढ़े। After which he robbed him of all the money he could find, eager to get away from crowded London. बेटा ग्रिफिन को पता था कि जो लंदन है वो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है और बहुत ठंडा है और उसके लिए वहां पे मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, एंड ही विल अट्रैक्ट वे टू मच अटेंशन वहां पे बेटा, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करेगा। तो उसने एक डिसीजन लिया कि ही विल गो टू अ प्लेस जो काफी ज्यादा सिक्लूडेड होगी, ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं होगी और उसके लिए वहां रहना आसान होगा। तो उसने क्या किया, ईगर, ईगर का मतलब क्या होता है, ईगर का मतलब होता है डेस्परेट, राइट। सो डेस्परेट टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपे। ग्रिफिन ने क्या डिसाइड किया कि वो लंदन के जो क्राउडेड स्ट्रीट्स है बेटा वहां से वो निकल जाएगा, और वो कहाँ जाएगा, उसने कहाँ डिसाइड किया जाएगा, ही विल गो टू द इपनो विलेज ऑफ इपिंग। इपिंग इज अ नेम फॉर स्मॉल विलेज नियर बाय लंदन वेयर ही बुक टू रूम्स एट द लोकल इन। इन क्या होता है, अ स्मॉल होटल, या इसको आप मोटेल भी कह सकते हो। बेसिकली बेटा वहां पर वो इपिंग के अंदर वो गया और वहां पे उसने छोटे से इन में, छोटे से होटल में दो कमरे बुक कराए। ऑल राइट, हाय खुशबू, गुड इवनिंग, एनी डाउट्स दैट यू हैव अप टिल नाउ? उस छोटे से गांव में बेटा एक छोटा सा होटल था दैट वाज रन बाय अ लेडी नेम्ड एज मिसेस हॉल। वो अपने घर के अंदर ही बेटा ये होटल चलाती थी, ये मोटेल चलाती थी, और वहां पे गिफ्ट ने टू रूम्स बेटा बुक कराए। ऑलराइट चलो फिर आगे बढ़े। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। बेटा इपिंग के अंदर क्या होता था कि जो विंटर्स का सीजन होता था, विंटर्स वो बेसिकली ऑफ सीजन, विंटर्स वॉज ऑफ सीजन। ऑफ सीजन का मतलब क्या हुआ कि इस टाइम पे बेटा कोई भी कस्टमर या कोई भी टूरिस्ट नहीं आता था। तो एक स्ट्रेंजर का बेटा विंटर के टाइम में इपिंग में आना वॉज डेफिनेटली एन अनयूजुअल इवेंट, चाहे ग्रिफिन हो या कोई भी स्ट्रेंजर हो, कोई भी टूरिस्ट हो बेटा, उसका विंटर्स में इपिंग आना अपने आप में अनयूजुअल था। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। यहाँ पे वैगिंग का मतलब क्या है, जो आपको पता है जो जो डॉग्स होते हैं उनकी टेल वैग करती है कंटिन्यूअसली, यहाँ पर वैगिंग का मतलब क्या है बेटा, टॉकिंग। और बच्चा देखिए पहली चीज तो ये कि एक टूरिस्ट, एक स्ट्रेंजर आया ठंड के टाइम पे इपिंग में जो कभी नहीं आता, अपने आप में अनयूजुअल था, और उसके ऊपर से एक ऐसे स्ट्रेंजर का आना जिसकी जो शक्ल है, जिसका जो अपीयरेंस है, वो और ज्यादा अनयूजुअल है, और ज्यादा अनकॉमन है। उसकी वजह से बेटा ग्रिफिन बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन, वो तो पूरे विलेज के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया। हर एक इंसान उसी के बारे में क्यूरियस था कि ये है कौन जिसका पूरा चेहरा नो बैंडेजेस से कवर्ड अप है। मिसेस हॉल, इनका नाम याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन, दे कैन आल्सो आस्क योर कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस हॉल बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसेस हॉल जो थी बेटा वो थी इस पर्टिकुलर इनकी ओनर, ओके, शी वाज द वाइफ ऑफ द ओनर, जो लैंडलॉर्ड थे मिस्टर हॉल उनकी वो बेटा वाइफ थी, और वही थी बेटा जो इस पर्टिकुलर इनको चलाया करती थी। तो अब उनके बेटा आप सोचो कि उनके यहाँ पे एक ऑफ सीजन में कस्टमर आया है, तो हाउ हैप्पी शी मस्ट हैव बीन, बड़ी खुश थी, एंड शी रियली वॉन्टेड द कस्टमर टू स्टे फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। बेटा वो बिजनेस वुमेन थी, वो क्या चाहती थी कि जो कस्टमर इतनी मुश्किल से हाथ आया है, ऑफ सीजन में आया है, वो जितना लंबा हो सके यहाँ रुके। सो शी ट्राइड टू बी एज फ्रेंडली एज पॉसिबल विद ग्रिफिन। वो ग्रिफिन से बेटा बात करने की कोशिश करती थी, फ्रेंडली होने की कोशिश करती थी, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक। लेकिन ग्रिफिन की बेटा कोई डिजायर नहीं थी, कोई मन नहीं था उनसे बात करने का। एंड टोल्ड हर माय रीजंस फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, दैट इज लोनलीनेस। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माय वर्क, बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माय फेस। लेकिन ग्रिफिन जो था ही वॉज नॉट एट ऑल फ्रेंडली, इनफैक्ट ही वॉज वेरी कोल्ड टू हर, एंड ही स्टॉप्ड हर इवन बिफोर शी वुड ट्राई टू बी फ्रेंडली विद हर। तो उन्होंने क्या बोला बेटा, उन्होंने ग्रिफिन जो थे उन्होंने मिसेस हॉल को ये कहा कि मेरा रीजन इपिंग आने का ये है कि मैं यहाँ पे अकेलापन ढूंढने के लिए आया हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे अकेला रहने के लिए आया हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू रिस्पेक्ट दैट। और मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में, मेरी रिसर्च में कोई मुझे डिस्टर्ब करे, एंड ऑफकोर्स मेरा जो चेहरा है वो इसलिए ऐसा है बिकॉज आई हैड मेट एन एक्सीडेंट।
जिसकी वजह से मेरा जो चेहरा है थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया है, थोड़ा सा खराब हो गया है, एंड दिस इज अ रीजन ही गेव बिहाइंड व्हाइल यूजिंग दोज बैंडेजेस, कि उसे बैंडेजेस क्यों लगाई थी, ताकि मिसेस हॉल को ये क्यूरियोसिटी नहीं हो दैट व्हाट वर बिहाइंड दोज बैंडेजेस. तो उसने क्या बोला कि एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा जो चेहरा है थोड़ा सा खराब हो गया है, थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया है, दिस इज अ रीजन ही वॉज पुटिंग दोज बैंडेजेस. ऑलराइट, एनी डाउट्स गाइस? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? No queries, shall we move on then? Okay, great. Thank you guys. Chal. Aage bade, let's move on to the next part then. Satisfied that her guest was an eccentric. Eccentric ka matlab kya hota hai? Ajeeb. Eccentric scientist, and in the view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse. Yahan pe excuse ka matlab kya hai? Forgive. His strange habits and irritable temper. Temper means character. But क्यों Mrs. Hall को ये लगा कि उनका जो ये guest है, he is a very strange fellow. वो scientist है, अजीब सा scientist है. और क्योंकि उन्होंने बेटा उस particular customer ने उन्हें सारा का सारा पैसा advance में pay कर दिया था, Mrs. Hall was ready to forgive all his strange habits and irritable temper. बट ग्रिफिन जो था वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड था, बहुत ही बदतमीज था, और वो कभी कभार काफी सारी चीजों को तोड़ता भी था अपने गुस्से में आके. बट मिसेस हॉल वॉज रेडी टू फॉरगिव एवरीथिंग बिकॉज शी डिड नॉट इंटेंड टू लूज एन इम्पॉर्टेंट कस्टमर, स्पेशली अ कस्टमर हु वॉज रेडी टू पे एवरीथिंग इन एडवांस. दिस काइंड ऑफ अ कस्टमर इज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर हर, ओके, एंड शी डिड नॉट वॉन्ट टू लूज इट. तो उन्होंने क्या किया बेटा, उसकी जितनी भी बदतमीजियां थी या जो भी वो कर रहा था, उसका जो इल टेम्पर था, वो सब वो झेलती रही, उसको माफ करती रही, ओनली बिकॉज ही वॉज पेइंग हर इन एडवांस, क्योंकि वो हर चीज के लिए उनको एडवांस पेमेंट दे रहा था. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. यू रिमेंबर द मनी दैट ग्रिफिन वॉज एक्चुअली स्पेंडिंग, जो पैसा ग्रिफिन यहाँ पे स्पेंड कर रहा था वो उसकी हार्ड अर्न मनी नहीं थी बेटा, ये वो पैसा था जो उसने थिएटर शॉप से चोरी किया था. ओके, द मनी दैट ही वॉज स्पेंडिंग ही वॉज द स्टोलन मनी फ्रॉम द थिएटर शॉप इन लंडन. अब जो पैसा था बेटा वो तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, और वो कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग तो हो नहीं रही ताकि उसमें पैसा एडअप होता रहे. तो वो जो पैसा था इट रैन आउट क्विकली, तो जो पैसा था बेटा इट ट्रेजर बिकेम एम्प्टी, राइट? But the stolen money did not last long. And presently, Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. तो उसने क्या किया बेटा, उसके पास पैसे हो गए खत्म. और उसे मिसेस हॉल के सामने, अभी तक तो एडवांस पेमेंट कर रहा था और मिसेस हॉल उसको झेल भी रही थी, बट अब उसे मिसेस हॉल के सामने ये एडमिट करना पड़ा, ये मानना पड़ा, एडमिट का मतलब क्या होता है, मानना पड़ा कि उसके पास अब कैश नहीं रहा है. बट हाँ, उसने ऐसे प्रिटेंड किया, उसे ऐसे फेक किया दैट इज वेटिंग फॉर सम चेक टू अराइव, कभी भी उसका एक चेक आ जाएगा एंड देन ही विल पे ऑल द रिमेनिंग मनी. और उसने मिसेस हॉल को ये अश्योरेंस दिया कि जो भी उसका बैलेंस अमाउंट है वो बहुत जल्द वो उनको पे कर देगा. राइट, हाय सीमा, गुड इवनिंग. हाय भूमि, गुड इवनिंग. एनी डाउट्स गाइस? Anything that is unclear? यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? Okay, अब फिर आगे बढ़ते हैं. Let's move on. Shortly after, a curious episode occurred. अब बेटा ग्रिफिन के पास हो गए पैसे खत्म, और मिसेस हॉल को ये बोल रहा था कि आने वाले टाइम में वो उसके पास एक चेक आ जाएगा, और जब वो चेक पहुंच जाएगा तो वो क्या करेगा, वो सारे पेमेंट कर देगा. लेकिन इसी के कुछ दिन, थोड़े टाइम के बाद बेटा एक बहुत ही क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब क्या होता है, अजीब, स्ट्रेंज एपिसोड हुआ. एपिसोड का मतलब क्या है, इवेंट. एपिसोड हियर स्टैंड्स फॉर एन इवेंट. ओके, अकर्ड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. अ क्लर्जीमैन, क्लर्जीमैन होता है बेटा प्रीस्ट. ओके, अ प्रीस्ट एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी. बट एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ. एक दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, जैसे सनराइज से पहले का जो टाइम होता है, जो अपना डॉन का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग बेटा एक क्लर्जी मैन थे, एक प्रीस्ट थे, और उनकी जो वाइफ थी बेटा वो अपने घर में सो रहे थे कि अचानक से बेटा कुछ नॉइस हुई और उसके वजह से दोनों जग गए. और नॉइस कहाँ से आ रही थी बेटा, फ्रॉम द स्टडी. स्टडी का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टडी बेसिकली स्टैंड फॉर अ स्टडी रूम. उनके घर का जो स्टडी रूम था वहां से स्ट्रेंज आवाजें आ रही थी सुबह सुबह. तो उन आवाजों को सुन के जो क्लर्जी मैन थे, यानी कि जो प्रीस्ट थे, और उनकी वाइफ जग गए. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड
चिंक ऑफ मनी बींग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क. बेटा क्रीपिंग का मतलब क्या होता है? क्रीपिंग का मतलब होता है वॉकिंग क्वाइटली. अब जब उन्होंने बेटा ध्यान से सुना तो उनको क्या सुनाई दिया? उन्होंने ध्यान से ये सुना बेटा दैट देयर वॉज अ मैन इनसाइड द स्टडी. और बहुत धीमे धीमे करके बेटा दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे वो स्टेयर केस से नीचे उतरे. दे हर्ड द चिंक. चिंक का मतलब क्या होता है बेटा? चिंक का मतलब होता है द मेटालिक साउंड. जैसे आपके पर्स में कॉइंस होते हैं, अगर आप पर्स को मूव करते हो तो कॉइंस का मेटालिक साउंड होता है, उसको चिंकिंग साउंड कहते हैं, राइट? चिंक ऑफ मनी बींग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क. तो हो सकता है बेटा जो प्रीस्ट और उनकी वाइफ हो वो अपने घर की थोड़े बहुत पैसा जो था बेटा वो कहाँ रखते थे? स्टडी रूम के अपनी डेस्क के ड्रॉअर में रखते थे. और जो भी ये थीफ था बेटा उसने वो घर का पैसा जो था जो घर में सेफली रखा जाता था वो वहां से चुरा लिया था विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद अ पोकर. पोकर क्या होता है बेटा? पोकर होती है बेसिकली एन आयरन रॉड. आपको पता होगा बाहर की कंट्रीज में बेटा होते हैं यू नो फायर प्लेसेस. अब फायर प्लेस में जो बर्निंग कोल होता है बेटा उसको आप हाथ से तो मूव कर नहीं सकते, तो उनको मूव करने के लिए, उन्हें हिलाने के लिए, उनको मिक्स करने के लिए बेटा वहां पे एक लंबी सी रॉड्स होती है, आयरन रॉड्स होती है, उनको पोकर कहते हैं. सो जो प्रीस थे बेटा उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने हाथ में पोकर उठा लिया था, वो आयरन रॉड उठा लिया था बेटा फॉर द डिफेंस पर्पस. ग्रास्प्ड. ग्रास्प का मतलब क्या होता है? ग्रास्प का मतलब होता है होल्ड. फर्मली का मतलब होता है टाइटली. और उन्होंने इस पर्टिकुलर पोकर को बेटा अपने हाथ में एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था इन हिज हैंड. द क्लर्जीमैन फ्लंग. फ्लंग का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लंग का यहाँ पे मतलब है पुश्ड. पुश्ड ओपन द डोर सरेंडर. तो जो हमारे क्लर्जीमैन थे बेटा जब उनको ये रियलाइज हुआ कि उनके घर में एक थीफ है, उन्होंने क्या किया? अपने घर की फायर प्लेस से एक आयरन रॉड उठाया, एक पोकर उठाया, उसको कस के अपने हाथ में पकड़ा. ही जस्ट नो रश टुवर्ड्स द स्टडी रूम. और स्टडी रूम की तरफ वो भाग के गए बेटा विद द एम टू सरप्राइज एंड कॉर्नर द थीफ. और जो पोकर था उनके हाथ में बेटा उन्होंने उस पोकर को उठाया और रूम में जाते जाते वो कहते हैं सरेंडर. ही एक्चुअली पॉइंटेड द पोकर टुवर्ड्स द थीफ और वो कहते हैं सरेंडर. दिस वॉज हिज रिएक्शन. ओके वेरी गुड यंग माइंड्स. आई एम गुड तमू. थैंक यू फॉर आस्किंग बेटा. ओके तो यहां पे किसी को कोई डाउट है अभी तक? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? एनी डाउट्स गाइज? एनी क्वेरीज? यस, ये 10th का चैप्टर है बेटा. आज 10th का ही चैप्टर कंटिन्यू किया जाएगा. कल 9th वाले बच्चों का सेशन होगा जहां पे हम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. ओके ओके थैंक यू बच्चा. चलिए आगे बढ़े. देन टू हिज अमेजमेंट. अब बेटा देखो जो क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ थे वो तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां पे थीफ होगा और हमने थीफ को पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया. ओके लेकिन To his amazement, वहां जब वो कमरे के अंदर गए बेटा द सिनारियो वॉज कंप्लीटली डिफरेंट. देन टू हिज अमेजमेंट. अमेजमेंट का मतलब क्या होता है? सरप्राइज. ही रियलाइज द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी. जैसे बेटा क्लर्जी मैन जो थे वो आयरन रॉड लेकर के कमरे के अंदर गए, उन्होंने क्या देखा कि पूरा का पूरा कमरा जो था वो खाली था. ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टन्स एंड इवन अप द चिमनी. आपने देखा होगा बेटा घरों के अंदर जो फायर प्लेसेस होते हैं, फायर प्लेस का स्मोक निकालने के लिए चिमनीज होती है बड़ी बड़ी. तो क्लर्जीमैन उनकी वाइफ ने बेटा पूरा का पूरा कमरा सर्च किया, डेस्क के नीचे देखा, कर्टन्स के पीछे झांक के देखा. इनफैक्ट जो चिमनी होती है वो काफी ब्रॉड होती है, वहां पे कोई छुप सकता है, तो उस चिमनी के अंदर भी देखा. बट देयर वाज नोबडी. देयर वाजंट अ साइन ऑफ एनीबडी. देयर वाज नॉट अ सिंगल सोल टू बी फाउंड. येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउसकीपिंग मनी वॉज मिसिंग. हाउसकीपिंग मनी क्या होती है? द मनी दैट वी स्टोर इन द हाउस फॉर इमरजेंसी पर्पसेस. जो थोड़ा बहुत कैश बेटा हम घर में रखते हैं इमरजेंसी पर्पसेस के लिए वो हाउस कीपिंग मनी कहलाता है. तो यहाँ पर हुआ ये बेटा कि डेस्क तो खुली हुई थी, पैसा गायब था, चोरी हुई थी, लेकिन वहां पे कोई भी चोर नहीं था, वहां पे उनको कोई इंसान मिला ही नहीं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर. द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. और जो क्लर्जी मैन थे बेटा, जो प्रीस्ट थे, वो केवल और केवल ये कह पाए बेटा दैट दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या है? अनबिलीवेबल. This was something which is unbelievable. क्योंकि उन्हें पता है that he heard a man, he knew what he heard. He can see that the money was gone, he can see that his house was robbed, but there was no robber.
So he was completely baffled. He was completely spellbound because the robber beta is none other than the invisible man. But the clergyman beta, he's a simple man. He has no idea that what is happening. तो वो क्या कह रहे हैं कि जो पूरा का पूरा इंसिडेंट था वो कैसा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर था, मतलब इट वाज एन अनबिलीवेबल इंसिडेंट. ऑलराइट, ओके. सॉरी गाइस. ओके, चलिए. बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. लेकिन बेटा जो इंसिडेंट क्लर्जी मैन के घर में हुआ, जो हमने अभी पढ़ा कि किस तरीके से उनके घर में चोरी हुई बेटा, लेकिन देयर वॉज नो रॉबर, उससे ज्यादा अमेजिंग, उससे ज्यादा रिमार्केबल और उससे ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज तो हुई मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ. अब वहां पर क्या हुआ बेटा, वहां पे क्या बहुत ही स्ट्रेंज सा इंसिडेंट हुआ वो भी पढ़ लेते हैं. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली. बेटा जिस दिन क्लर्जी मैन के घर में सुबह सुबह चोरी हुई, सेम दिन की बात है, मिसेस हॉल एंड मिस्टर हॉल जो थे बेटा वो सुबह सुबह जग गए थे काफी जल्दी. एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन. और साइंटिस्ट कौन है यहाँ पे बेटा, ग्रिफिन. ग्रिफिन का जो बेडरूम डोर है बेटा, जो हमेशा लॉक्ड रहता है, वो कभी हल्का सा भी खुला नहीं होता बेटा, अभी इस टाइम पे सुबह सुबह उसके बेडरूम का दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ था. राइट, टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड. यूजुअली क्या होता है बेटा, ना केवल दरवाजा बंद होता है, वो लॉक्ड होता है, लेकिन अभी तो वाइड ओपन था, बिल्कुल खुला हुआ था. एंड ही वॉज फ्यूरियस. फ्यूरियस मीन्स एक्सट्रीमली एंग्री इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम. और ग्रिफिन को बिल्कुल भी नहीं पसंद था बेटा कि कोई भी इंसान उसके कमरे में जाए उसकी परमिशन के बिना. वो बहुत गुस्सा करता था अगर ऐसा होता था. द अपॉर्चुनिटी सीम टू टू गुड टू बी मिस्ड. लेकिन मिस्टर मिसेस हॉल को क्या लगा बेटा कि ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना चाहिए. जरा हम भी तो देखे इस कमरे के अंदर ऐसा क्या है कि जो हमारा गेस्ट है, जो स्ट्रेंज गेस्ट है हमारा, वो हमें कभी भी इस कमरे के अंदर नहीं आने देता. तो क्यूरियोसिटी तो है तो ही बेटा, ओके, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट. ओके, तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने बिना ग्रिफिन की परमिशन के, बिना उसे समझे, दे एंटर्ड इनटू द रूम. दे पीप्ड. पीप का मतलब क्या होता है, लुक्ड. दे लुक्ड राउंड द डोर. उन्होंने थोड़ा सा बेटा पहले तो क्या किया, दरवाजे के बाहर से ही थोड़ा झांक के देखा, सॉ नोबडी. कमरे के अंदर कोई नहीं था. एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. और उन्होंने डिसाइड किया कि अब यहाँ पे जो हमारा गेस्ट है वो तो है नहीं, तो हम ही देखें कि इस कमरे के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है. Okay? Any doubts, guys? No? All right, so let's move on. Okay. The bedclothes were cold. अब Mrs. Hall बेटा Mr. Hall के साथ जब कमरे के अंदर गई, तो उन्होंने क्या किया, bedclothes का मतलब क्या होता है, जो बेडशीट थी और जो पिलो था बेटा, उन्होंने उस पर हाथ रख के देखा. मिसेस हॉल वॉज वेरी स्मार्ट. उन्होंने उस पर हाथ रख के देखा एंड द बेडशीट एंड द पिलो वर एब्सोल्युटली कोल्ड. तो इसका मतलब क्या है, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम. इसका मतलब ये है दैट द साइंटिस्ट मस्ट बी आउट ऑफ हिज बेड फॉर सम टाइम. क्योंकि अगर वो अभी अभी उठ के इस बेड से गया होता, सो द बेडशीट एंड द पिलो कवर शुड बी अ लिटिल वार्म. ओके, बट यहाँ पर क्या था बेटा, वो दोनों एकदम ठंडे पड़े हुए थे. इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेंजर है, ही हैज नॉट बीन इनसाइड दिस रूम फॉर सम टाइम, राइट, एंड स्ट्रेंजर स्टिल. ओके, और इससे भी ज्यादा अजीब बात क्या थी, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट. अबाउट का मतलब होता है अराउंड. वर लाइंग अराउंड द रूम. ना, इससे भी अजीब बात ये थी बेटा, देखिए एक तो जो पलंग है, देखिए उसमें जो जो बेडशीट है, जो पिलो है, वो ठंडा है, दैट मीन्स अ स्ट्रेंजर मस्ट हैव बीन आउट ऑफ हिज रूम फॉर सम टाइम. तो उनको अजीब ये लग रहा है कि इतनी सुबह सुबह जो हमारा गेस्ट है, जो स्ट्रेंजर है, वो कहाँ गया है. लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात क्या है कि वो कपड़े और जो बैंडेजेस वो हमेशा पहन के रखता है, नाउ दोज क्लोथ्स एंड दोज बैंडेजेस वर लाइंग अराउंड इन द एंटायर रूम. पूरे कमरे बेटा वो बिखरी पड़ी हुई थी. All of a sudden means अचानक से Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. Sniffing sound क्या होती है? This is the sniffing sound. अचानक से बेटा Mrs. Hall को अपने कान के पास यहाँ पर sniffing sound आई. मानो उनके पास कोई इंसान खड़ा हुआ है, उसने sniff किया. A moment later the hat on the bedpost. लेकिन इससे पहले कि Mrs. Hall को समझ पाते, जो पलंग की bedpost थी, bedpost क्या होती है?
रॉड ऑफ द बेड यूज फॉर हैंगिंग मॉस्किटो नेट्स। पुराने जमाने में बेटा जो बेड्स हुआ करते थे उनमें बेड पोस्ट हुआ करती थी, इस तरीके से चारों साइड पे हुआ करती थी बेटा बेड पोस्ट, और इनका यूज किया जाता था बेटा यहाँ पर मॉस्किटो नेट डालने के लिए। ओके, सो दैट इज बेसिकली अ बेड पोस्ट। तो ग्रिफिन की एक बेड पोस्ट के ऊपर यहाँ पर उसकी हैट थी, ओके, जो टंगी हुई थी। एंड दैट हैट बेटा, उसने देखो हैट ने कैसे रिएक्ट किया, अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट दैट इज रॉड द बेड यूज फॉर हैंगिंग मॉस्किटो नेट लेफ्ट लेफ्ट मीन्स जंप्ड जंप्ड अप एंड डैश्ड। डैश का मतलब क्या होता है? हिट हिट इट सेल्फ इन टू हर फेस। अचानक से बेटा जो बेड पोस्ट के ऊपर हैट टंगी हुई थी, इट केम इन टू लाइफ, वो एकदम अलाइव हो गई, और उस हैट ने बेटा अपने आप उस पर्टिकुलर बेड पोस्ट से वो निकली एंड इट हिट द फेस ऑफ मिसेस हॉल। मानो उसे अपने आप से बेटा मिसेस हॉल के फेस को अटैक किया। देन द बेडरूम चेयर, उस बेडरूम में एक चेयर थी बेटा, बिकेम अलाइव, और जो चेयर थी वो उसमें भी जान आ गई। स्प्रिंगिंग, स्प्रिंगिंग मीन्स जंपिंग इन टू द एयर, इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है? आगे। और जो चेयर थी बेटा वो जो बैठ रखी हुई थी, इट वॉज कंप्लीटली बेटा स्टिल। अचानक से जो चेयर थी उसमें जान आ गई, और उस चेयर ने क्या किया बेटा, वो चेयर अपने आप उठती है, और चेयर के जो दोनों पैर थे, जो चारों पैर थे बेटा, दे वर बेसिकली पॉइंटिंग एट मिसेस हॉल, एंड नाउ दैट चेयर बेटा एक्चुअली एम्ड एट मिसेस हॉल एंड पुश्ड हर आउट ऑफ द रूम। और उस चेयर ने क्या किया बेटा, उस चेयर ने मिसेस हॉल को अटैक कर दिया। राइट, एनी डाउट्स दैट यू हैव, एनी क्वेरीज, समझ में आ रहा है कि यहां पे क्या हुआ? नो डाउट्स, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। चलिए, एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, बट जैसे ही मिस्टर्स हॉल ने और मिस्टर हॉल ने देखा कि जो फर्नीचर है वो इतना वियर्डली बिहेव कर रहा है, और जो चेयर है बेटा उनको अटैक करने के लिए आगे आ रही है, दे जस्ट टर्न्ड अवे इन टेरर। टेरर मीन्स फियर। The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam. Slam means shut and lock the door after them. और ये जो चेयर थी बेटा जिसमें अपने आप जान आ गई थी, उस चेयर ने क्या किया, उस चेयर ने मिस्टर एंड मिसेस हॉल को बेटा कमरे के बाहर फेंका, और ऐसा लगा मानो उस चेयर ने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स का मतलब क्या होता है? पागलपन, मेनियक। मिसेस हॉल जो थी बेटा वो एकदम पागल सी हो गई थी, और डर के मारे शी वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू फेंट ऑन द स्टेयर केस। She was convinced. Convinced का मतलब क्या होता है? Certain, for sure. She was convinced that the room was haunted. Haunted का मतलब क्या होता है? भूतिया. Okay, that is cursed. Okay. Mrs. Hall को लगा कि जो जो stranger है, उसने कुछ ना कुछ spirits बुलाई हैं in the room, right? Ghost बुलाए कमरे में by spirits, and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. तो उन्होंने क्या बोला बेटा, उन्होंने क्या सोचा कि जो जो साइंटिस्ट है, जो स्ट्रेंजर है, ही मस्ट बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक। और उसने क्या किया, उसने मेरे पूरे कमरे को हॉन्ट कर दिया है, कर्स कर दिया है, एज अ रिजल्ट दैट देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ गोस्ट, ओके, इनसाइड माय फर्नीचर। राइट, माय पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी माउंड माउंड मीन्स क्राइड, टू थिंक दैट इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। ओके, तो वो कह रही है कि ये वो चेयर थी जो मेरी मदर बैठा करती थी, और अब वही चेयर जिसमें मेरी मदर बैठा करती थी वो मुझे अटैक करे, दिस इज अनबिलीवेबल। मिसेस हॉल वॉज टेरिबली स्केयर्ड एंड ऑल्सो शी वॉज ऑल्सो क्राइम बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ हर हाउस। ऑलराइट, वो बहुत ज्यादा दुखी थी बेटा, बहुत ज्यादा शॉक में थी। ओके, द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज बाय विचक्राफ्ट। जब नेबर्स को ये पूरा इंसिडेंट मालूम पड़ा बेटा, तो उनका ये ओपिनियन था कि जो स्ट्रेंजर है ही मस्ट बी इन्वॉल्व इन विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट क्या होता है? ब्लैक मैजिक, काला जादू। तो सबका ये मानना था बेटा, विलेजर्स थे, सुपरस्टिशन से होते ही उनके साथ में, तो उनको क्या लगा था कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन द न्यूज ऑफ बल्गरी, बल्गरी मीन्स थेफ्ट, चोरी, एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अ हैंड इन इट। अब बेटा चाहे विचक्राफ्ट हो चाहे नहीं हो, लेकिन जब पूरे के पूरे विलेज में बेटा जो प्रीस्ट थे उनके घर में चोरी हुई उसकी खबर फैली, तो ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि जो स्ट्रेंजर है, ये जो साइंटिस्ट है, इसका जरूर कोई ना कोई हाथ है इस चोरी में। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। और बेटा ये जो सस्पिशन था,
ये जो लोगों का शक था कि ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं स्टोरी में इन्वॉल्व है, ये और ज्यादा पक्का हो गया जब ग्रिफिन ने बेटा मिसेस हॉल से ये बोला कि अब उसके पास कैश आ गया है। वो इंसान जो कल तक ये कह रहा था कि वो चेक का वेट कर रहा है, अभी उसके पास कैश नहीं आया, अचानक से आज उसके पास रेडीली कैश अवेलेबल हो गया। तो इससे लोगों का जो शक था कि मे बी दिस पर्टिकुलर मैन इज इन्वॉल्व इन दी रॉबरी इन द हाउस ऑफ क्लर्जीमैन, वो साबित हो गया, वो और ज्यादा पक्का हो गया, साबित नहीं हुआ लेकिन और ज्यादा पक्का हो गया। तो अब लोगों में इसमें और ज्यादा शक करना शुरू किया और सस्पिशन ग्रो हुआ, राइट? एनी डाउट्स, एनी क्वेरी गाइस? चलो फिर आगे बढ़े। ओके, द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। बेटा सेंट का मतलब क्या होता है? कॉल्ड। अब जो विलेजर्स थे उनको जब ये लगा कि ये जो स्ट्रेंजर है ही वॉज इन्वॉल्व इन थ्राइवरी, ही वॉज इन्वॉल्व इन रॉबरी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीक्रेटली बेटा विलेज कॉन्स्टेबल को बुला लिया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली, मिस्टीरियसली का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, mysteriously appeared from his empty bedroom. बेटा अभी पता है क्या हुआ था, when Mrs. Hall and everybody was wondering कि exactly जो stranger है उसने उस furniture में क्या किया, furniture पर से किस तरीके से काला जादू किया, उन लोगों के सामने से ही ग्रिफिन जो था अपने कमरे से बाहर निकला, क्योंकि मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल ने अपनी आंखों से देखा था कि कमरा खाली है, और अचानक से थोड़ी देर बाद जो बेटा स्ट्रेंजर था वो मिस्टीरियसली अपने ही कमरे से बाहर निकलता है। तो मिसेस हॉल जो थी शी वॉज फ्यूमिंग इन एंगर, बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उन्होंने तो विलेज कॉन्स्टेबल का वेट ही नहीं किया, बिकॉज शी रियली वॉन्टेड टू नो, शी रियली डिमांडेड टू नो दैट वॉट इज हैपनिंग इन हर हाउस। उन्हें आंसर चाहिए था कि उन्होंने उस स्ट्रेंजर ने उनके फर्नीचर के साथ क्या किया, बिकॉज ही शी वॉज वेरी एंग्री, सो शी वॉज नॉट रेडी टू वेट फॉर एनीवन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्रेंजर को बेटा सीधे एनकाउंटर किया, एकदम पॉइंट ब्लैंक उससे बात करी और कहा, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। उन्होंने कहा कि मुझे जानना है कि तुमने मेरी चेयर के साथ ऊपर ऊपर जो मेरी चेयर रखी है उससे तुमने क्या किया। शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी बेडरूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। उसने कहा मुझे पता है कि वो दरवाजा लॉक्ड हो गया था बाहर से, मैंने देखा था अपनी आंखों से वो कमरा खाली था, तो तुम अभी इस कमरे से बाहर कैसे निकले। द साइंटिस्ट वॉज क्विक, वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड कौन होता है बेटा, क्विक टेम्पर्ड वो इंसान होता है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, जिसको हम कहते हैं इल टेम्पर्ड। जो स्ट्रेंजर था बेटा वैसे ही बहुत ज्यादा इल टेम्पर्ड था, नाउ बिकेम फ्यूरियस। लेकिन जब जैसे ही मिसेस हॉल ने उस पर चिल्लाना शुरू किया, उसको अक्यूज करना शुरू किया विचक्राफ्ट, ओके, ही बिकेम वेरी फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, वेरी एंग्री, वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, गुस्से में आ गया। हाय अव्या, गुड इवनिंग बेटा। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, ओके, तो उसने क्या किया, उसने कहा यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम। उसने कहा तुम नहीं समझते कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। ही शाउटेड, वेरी वेल, I'll show you. Suddenly he threw off bandages. और गुस्से में आके बेटा ना तो ग्रिफिन ने कुछ दोबारा सोचा, कोई सेकेंड थॉट नहीं दिया, और उसने क्या किया, जो बैंडेजेस उसके चेहरे पे लगी थी बेटा उसने उसको एकदम से हटाना चालू कर दिया। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. उसने क्या किया बेटा, ये साइड विस्कर्स लगाए थे, जो फेक विस्कर्स उसने लगाए थे उसने यहाँ से उसको निकाला, जो बैंडेज थी बेटा उनको फाड़ना चालू किया, जो अपने गॉगल्स से वो हटाए, और ये जो फेक नोज थी बेटा जो उसने यहाँ पे लगाई हुई थी वो भी उसने निकाल दी। It took him only a minute to do so. और एक मिनट में बेटा his head became completely invisible. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अब imagine कीजिए अगर आपके सामने बेटा कोई इंसान आता है who is completely headless. How scary that would be, right? और बेटा यहाँ पर Mrs. Hall का जो छोटा सा होटल था, छोटा सा जो होटल था उसका एक ओपन बार था बेटा, वहां पे काफी सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी ये जानने जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद, और उस सब लोगों के सामने बेटा ग्रिफिन ने अपनी रियलिटी को रिवील कर दिया, अपना इनविजिबल हेड जो था बेटा रिवील कर दिया। नाउ अमंग इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज पीपल दे कैन सी अ मैन हु इज विजिबल टिल द शोल्डर बट हिज हेड इज मिसिंग, सो ही इज अ हेडलेस मैन राइट नाउ। ओके, सो यू कैन इमेजिन हाउ फनी एंड हाउ स्कैरी दैट वुड हैव बीन, राइट? फ्यूरियस का मतलब होता है बेटा एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा। फ्यूरियस वर्ड का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली एंग्री, ओके, दैट इज फ्यूरियस। ओके, इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू सो।
The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. Mr. Jeffers, a constable, now arrived and was quite surprised. बट अब ये नाम आप ध्यान रखिएगा, मिस्टर जेफर्स जो है बेटा कौन है, विलेज के कांस्टेबल है, क्योंकि उनको ऑलरेडी बुला लिया गया था। और जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उसके तुरंत बाद मिस्टर जेफर्स जो थे वो मिसेस हॉल के इन पहुंचे एंड ही वाज क्वाइट सरप्राइज। और जो उन्होंने देखा एक हेडलेस फिगर को जो उन्होंने देखा बेटा, ऑब्वियसली ही वाज क्वाइट सरप्राइज। लेकिन मिस्टर जेफर्स जो थे बेटा, ही वाज अ ब्रेव मैन, डरने वाले वो थे नहीं। ओके, टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, वो काफी ज्यादा सरप्राइज थे बेटा ये जान के कि उनको एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना है जो कैसा है, हेडलेस है, जिसका सर है ही नहीं। बट जेफर्स वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। मैंने क्या कहा था, मिस्टर जेफर्स जो है बेटा, ही वॉज अ ड्यूटी बाउंड पुलिस ऑफिसर, ही वॉज अ ड्यूटी बाउंड कॉन्स्टेबल, तो वो आसानी से बेटा अपनी ड्यूटी से भाग जाए या डर के मारे चले जाए, ऐसे इंसान वो नहीं थे। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वॉरेंट, वॉरेंट क्या होता है बेटा, लीगल ऑर्डर, ऑर्डर्ड अ पर्सन्स अरेस्ट, then that person had to be arrested with or without his head. Okay, so you can imagine how hilarious this situation is. And बेटा Mr. Jeffers जो है, okay, वो क्या कहते हैं कि चाहे इंसान के head हो या नहीं हो, उसका सर हो या नहीं हो, अगर मुझे magistrate ने order दिया है, एक arrest warrant दिया है, तो मैं ऐसे इंसान को arrest करूँगा। This is what he said. All right? नहीं बेटा जी, आज मेंटी नहीं है बेटा, आज चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, देयर इज नो मेंटी टुडे। ऑलराइट, ओके, देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन। अब बेटा मिस्टर जेफर्स जो थे वो तो अड़ गए कि वो ग्रिफिन को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास लीगल ऑर्डर्स है, मजिस्ट्रेट के कोर्ट ऑर्डर्स है बेटा, एंड ही इज गोइंग टू नो फॉलो हिज ड्यूटी, चाहे इस इंसान के पास हेड हो चाहे नहीं हो, उनको से फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद बेटा एक बहुत ही रिमार्केबल सीन हुआ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। रिमार्केबल का मतलब क्या है, अनबिलीवेबल। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, गेट होल्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कैच। जैसे ही मिस्टर जेफर्स ने बेटा ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश करी, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू अ वन गार्मेंट्स आफ्टर अनदर। ग्रिफिन ने क्या करना शुरू किया बेटा, बड़ी ही चालाकी से एक एक करके अपने कपड़े हटाने चालू किए, ताकि वो कंप्लीटली इनविजिबल हो जाए। और आप लोग ये समझ सकते हो कि once he is completely invisible, it was impossible to capture him. So Mr. Jeffers होते, he was trying to stop him, but unfortunately बेटा वो ऐसा कर नहीं पाए। और ग्रिफिन ने क्या किया, एक एक करके बेटा अपने कपड़े जो थे वो रिमूव करने चालू कर दिए, एंड ही वॉज इवेंचुअली गेटिंग इनविजिबल, राइट। ओके, फाइनली अ शर्ट फ्लू इन द एयर। अब बेटा ग्रिफिन की पूरी बॉडी पे केवल और केवल एक शर्ट बचा था, एंड दैट शर्ट आल्सो बिकेम इट फ्लू इन द एयर, और जो शर्ट था बेटा वो भी ग्रिफिन ने हटा दिया। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग। यहाँ पे स्ट्रगलिंग का मतलब क्या है, स्ट्रगलिंग का मतलब है फाइटिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और अब मिस्टर जेफर्स जो है बेटा, वो एक ऐसे इंसान के साथ फाइट कर रहे हैं जिसको वो देख भी नहीं सकते, बिकॉज नाउ ग्रिफिन वॉज कंप्लीटली इनविजिबल। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने बेटा जो विलेजर्स थे उन्होंने मिस्टर जेफर्स की मदद करने की कोशिश करी, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोस। ब्लोस का मतलब क्या होता है, पंचेस। बट अनफॉर्चुनेटली बेटा दे वर ऑल गेटिंग हिट बाय पंचेस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन दैट सीम टू हैव कम फ्रॉम नोवेयर। और ये जो पंचेस थे बेटा, बिकॉज दे वर कमिंग फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द इनविजिबल मैन, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली पंच आ कहां से रहे हैं। ओके, सब बेटा जितने भी लोग हैं, दे वर गेटिंग पंच्ड ओवर देयर फेसेस, दे वर गेटिंग हिट ओवर देयर फेसेस, बट दे हैड नो आइडिया हाउ टू रिटेलिएट, how to attack, because उन्हें कोई नजर ही नहीं आ रहा था, right? In the end, Jeffers was knocked unconscious. Knocked का मतलब क्या होता है बेटा? Knocked का मतलब होता है pushed. Unconscious का मतलब क्या होता है? बेहोश हो जाना. Finally, बेटा इतना ज़्यादा ग्रिफिन ने मिस्टर जेफर्स को हिट किया, उनको इतना ज़्यादा मारा, that the poor soul became unconscious. वो बेहोश हो गए. As he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. बेटा पूरी कोशिश कर रहे थे, मिस्टर जेफर्स वाज अ वेरी ब्रेव मैन बेटा, ही वाज नॉट एट ऑल स्केयर्ड, ही डिड हिज बेस्ट टू कैप्चर ग्रिफिन, बट अनफॉर्चुनेटली बेटा एट द एंड वो ये काम कर नहीं पाए। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइस। यहाँ पे एक्साइटेड का मतलब क्या है बेटा, एक्साइटेड का मतलब है बहुत ही डरा हुआ होना। देयर वर नर्वस एंड एक्साइटेड क्राइस, क्राइस का मतलब क्या है, शाउट ऑफ होल्ड हिम, बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन। जितने भी लोग वहां पे थे बेटा सब डरे हुए थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा नर्वस थे, और सब लोग चिल्ला रहे थे होल्ड हिम होल्ड हिम होल्ड हिम, लेकिन होल्ड हिम हाउ, किसको पकड़े, दे कैन नॉट सी एनीवन, सो इट वाज इजियर सेड दैट डन। इसको कहना आसान था लेकिन करना मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री,
और फाइनली ग्रिफिन ने क्या किया बेटा, ग्रिफिन जो था ही वॉज कम्प्लीटली इनविजिबल, और उसने मिस्टर अपने आप को बेटा मिस्टर जेफर्स का जो ग्रिप था, जो होल्ड था, उससे छुड़ा लिया, एंड नो वन न्यू वेयर ही वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. और अब किसी को पता नहीं था बेटा कि एग्जैक्टली वो कहाँ जाए, कहाँ हाथ पैर मारे एक इनोसेंट मैन को पकड़ने के लिए, बिकॉज इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू कैप्चर समबडी दैट ही दे कैन नॉट सी. एंड दिस इज हाउ बेटा ग्रिफिन रैन अवे आफ्टर रिवीलिंग हिज रियल आइडेंटिटी इन द टाउन ऑफ एपिक. राइट, एनी डाउट्स दैट यू हैव गाइस, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? Any questions, any queries? Because अगर queries नहीं है तो ये last था बेटा chapter का और quiz start करेंगे अब. Shall we begin with the quiz then? Okay, thank you Bhavika, thank you Mehak. चलिए, so guys be ready for the quiz. All the very best. Here comes your question number one. Okay, what was the center of theatre world? बेटा London में center of theatre world क्या है? Drury Lane, Epping, London itself, or all of the above? What is the center of theatre world? A, B, C, or D? क्या होगा आपका आंसर? 15 more seconds to go, guys. Seven more seconds. Very good, Mehak. Perfect answer, Mehak. Perfect answer आपने दिया है. The correct answer for this question is A. Drury Lane was basically the center of theatre world. मैंने बताया था बेटा Drury Lane वो जगह है कहाँ पे London के अंदर जहाँ पे बहुत सारे theatres हैं, बहुत सारा बेटा theatre का सामान बेचने वाली shops हैं. So that is the answer. That is Drury Lane. Very good. Next question. Question number two. Why did Griffin come to Epping? Griffin बेटा Epping में क्यों आया था? To continue his research? To rob the house of Mrs. Hall? To find solitude or both A and C? What can be the right answer, guys? A, B, or C, or D? Very good, Bhavika. Four more seconds to go. Very good, Ravi. Shabash, Mehak. Perfect, guys. Perfect. Perfect answer, guys. Both A and C. वो इपिंग आया था अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए एंड ही वाज लुकिंग फॉर सॉलिट्यूड अकेला रहने के लिए. सो बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर. कुडोस गाइस, कुडोस, वेल डन बच्चा पार्टी, शाबाश. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड मिस्टर मिसेस हॉल फाइंड इन द रूम ऑफ द स्ट्रेंजर? जो स्ट्रेंजर का कमरा था बेटा उसमें मिस्टर और मिसेस हॉल को क्या मिला? हिज क्लोथ्स एंड बैंडेजेस, द स्ट्रेंजर फेंटेड ऑन द फ्लोर, एम्प्टी रूम, और बोथ ए एंड सी? Mehak, research too of invisibility. What can be the right answer? Ravi, please review your answer. Beta, Ravi, answer ko review kariye. Very good, Mehak. Perfect. Very good, Bhavika. Very good, Ravi. Perfect, guys. Perfect. The correct answer for this question is D. Both A and C. His clothes and bandages भी मिले थे बेटा और कमरा जो था वो खाली भी था. तो A और C दोनों correct answer है. Perfect. चलो next question. Why did Mrs. Hall excusing the bad temper of Griffin? Mrs. Hall जो थी बेटा Griffin के बुरे व्यवहार को, उसके गुस्से को क्यों माफ करती जा रही थी? He was poor and she felt bad for him. He was paying in advance and she was money minded. He was ill and she had sympathy towards him, or none of the above. What can be the right answer? A, B, C, D. Very good, Bhavika. Very good, Ravi. Nice, Mehak. Very good. Perfect, guys. Perfect. The correct answer is B. Because he was paying the money in advance and she was money-minded. Ye dhyan rakhiyega beta. Mrs. Hall ke character ke bare mein ye bahut important cheez hai ki wo money-minded thi. She was business lady. Very good, young minds, beta. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर आएगा बेटा 5, सॉरी. विच प्लेस डिड ग्रिफिन रॉब? ग्रिफिन ने किस घर, किस जगह पे चोरी की थी? मिसेस हॉल्स इन, उनके मिसेस हॉल के होटल में, हाउस ऑफ क्लर्जी मैन, थिएटर शॉप, और बोथ बी एंड सी? वेयर डिड ग्रिफिन, व्हाट प्लेस, विच प्लेस डिड ग्रिफिन रॉब?
भाभी का आंसर रिव्यू करिए बेटा, महक आंसर रिव्यू कीजिए। वेरी गुड महक, वेरी गुड रवि। ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ बी एंड सी। उसने क्लर्जी मैन यानी कि प्रीस्ट के घर में भी चोरी की थी बेटा, और ये चोरी से कहाँ की थी, इपिंग में आके, राइट। और थिएटर शॉप से चोरी की थी कहाँ पे बेटा, ड्यूरी लेन में इन लंडन। इसी पैसे के बूते बेटा मिसेस हॉल के घर में वो रह रहा था, और जब ये पैसा खत्म हो गया ही हैज टू रॉब द हाउस ऑफ द क्लर्जीमैन, तो उसे क्लर्जीमैन के घर में चोरी करनी पड़ी। सो डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। वेरी गुड गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड ग्रिफिन रॉब द हाउस ऑफ क्लर्जीमैन? जो ग्रिफिन था बेटा उसने क्लर्जी मैन के घर में चोरी क्यों करी? टू टेक रिवेंज अपॉन हिम, टू स्केयर हिम, बोथ ए एंड बी, और टू गेट सम मनी एज हिज सेविंग्स वर ऑल गॉन। व्हाट कैन बी द राइट आंसर गाइस? वेरी गुड रवि, व्हाट अबाउट द अदर्स? वेरी गुड भाविका, परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। द आंसर इज डी, उसने क्लर्जी मैन यानी कि प्रीस्ट के घर में इसलिए चोरी करी बेटा क्योंकि उसके पैसे खत्म हो गए थे जो वो थिएटर शॉप से चुरा के लेकर आया था, और उसको मिसेस हॉल को बेटा पेमेंट करना था, अदरवाइज मिसेस हॉल उसको अपने घर में एंटरटेन बिल्कुल नहीं करती। सो इन ऑर्डर टू रिफ्यूल हिज मनी ही रॉब द हाउस ऑफ द क्लर्जी मैन। ओके वेरी गुड महक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट डिड मिसेस हॉल थिंक वेन हर फर्नीचर एक्टेड वियर? जब मिसेस हॉल का जो फर्नीचर था बेटा वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, तो मिसेस हॉल को क्या लगा? इट वॉज नाउ ओल्ड एंड नीड रिपेयरिंग, स्ट्रेंजर हैज रिप्लेस देम विद अ न्यू वन, और स्ट्रेंजर हैड पुट सम विच क्राफ्ट ऑन इट, और ऑल ऑफ द अबव। ओके भाविका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी बेटा। व्हाट कैन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7? वेरी गुड महक, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। यस सी इज द करेक्ट आंसर। उनको ये लगा दैट द फर्नीचर इज एक्टिंग वियर्डली बिकॉज द स्ट्रेंजर हैज पुट सम काइंड ऑफ विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट क्या होता है बेटा? ब्लैक मैजिक, उसने कोई काला जादू कर दिया, और इसीलिए उनका जो फर्नीचर है जिस पर उसकी मदर एक टाइम बैठा करती थी चेयर पे, आज वो चेयर उन्हीं को अटैक कर रही है। ओके सो दैट सी वॉज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज मिस्टर जेफर्स? मिस्टर जेफर्स कौन थे? द ओनर ऑफ स्मॉल इन, क्लर्जीमैन, ओनर ऑफ द थिएटर शॉप, और विलेज कॉन्स्टेबल? व्हाट कैन बी द राइट आंसर? हु वॉज मिस्टर जेफर्स? कम ऑन गाइस, क्विकली, 5 more seconds टू गो। वेरी गुड रवि, वेरी गुड महक, परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। द आंसर इज डी, विलेज कांस्टेबल। मिस्टर जेफर्स कौन थे बेटा? विलेज के कांस्टेबल थे जो मजिस्ट्रेट के कहने पे वारंट लेकर आए थे ग्रिफिन को अरेस्ट करने का, इन रेफरेंस टू दी रॉबरी इन द हाउस ऑफ क्लर्जीमैन। वेरी नाइस यंग माइंड, शाबाश बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई वॉज मिस्टर जेफर्स नॉट एबल टू कैच ग्रिफिन? जब मिस्टर जेफर्स इतने ब्रेव थे और उनके पास वारंट भी था बेटा ग्रिफिन को पकड़ने का, तो वो ग्रिफिन को क्यों नहीं पकड़ पाए? He removed his clothes and became invisible. Jeffers got scared of headless figure. He did not bring any warrant क्योंकि वारंट नहीं लेकर आए थे, और मिसेस हॉल स्टॉप्ड हिम, और मिसेस हॉल ने बेटा नहीं चाहती थी कि उनके कस्टमर को कोई अरेस्ट करे, तो उन्होंने बेटा जेफर्स को रोक दिया। व्हाट केम द रीजन बिहाइंड इट? वेरी गुड रवि, 5 more seconds। महक वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, टाइम इज ओवर, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, बिकॉज ग्रिफिन रिमूव हिज क्लोथ्स एंड ही बिकेम इनविजिबल बेटा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर एनी वन टू कैप्चर हिम। तो मिस्टर जेफर्स जो थे बेटा वो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उसको नहीं पकड़ पाए, एंड ही वॉज नो ब्रूटली इंजर्ड एंड हिट बाई ग्रिफिन। ओके
So this is the end of my quiz today. Guys, before you start leaving, I must tell you that day after tomorrow का जो हमारा session होगा, कल का नहीं, परसों का जो हमारा session होगा, उसमें हम इसी chapter के सारे question answers, extract based question बेटा, short answer और long answer discuss करने वाले हैं in detail. So be there on this for discussion of the question answers of this chapter, Footprints Without Feet. और जो मेरा कल वाला session होगा, वहाँ पे हम a truly beautiful mind जो 9th class का chapter है, उसके question answer discuss करेंगे. Now before you start leaving, I have got for you, beta, you know, step by step guidance on how you can download the Unacademy Learning app and how you can subscribe to the Plus courses as well as, or you can say, iconic subscription of Unacademy. बच्चा पार्टी एक काम कीजिए, अपने स्मार्टफोन्स के प्ले स्टोर्स में जाइए और वहाँ पे Unacademy Learning ऐसा टाइप करना चालू कीजिए. जैसे ये आइकन आपको नजर आए, इस पर क्लिक कीजिए एंड इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर ऐप. Unacademy, which is the largest learning platform in India right now, beta, has brought for you guys India's top educators who are ready to guide you, help you to excel, beta, in your academics. और इसीलिए बेटा Unacademy ने आप लोगों के लिए क्या किया है बेटा, बहुत ही इजी स्टेप्स क्रिएट किए हैं जहां पे आप Unacademy के प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए एनरोल करा सकते हैं. लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा अपना एक मिनट लर्निंग लर्नर अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर आपको अपना गोल बेटा मैनेज करना पड़ेगा. इधर ही बिलोंग टू CBSE 9th और टू 10th, बेटा जो भी आपका क्लास है आप उस पर क्लिक कीजिए, ये आपका गोल है. ओके, एंड देन यू कैन सब्सक्राइब टू द प्लस कोर्सेज ऑफ Unacademy. और बेटा एक प्लस कोर्स का डिटेल आपको आपकी स्क्रीन में नजर आएगा जहां पे CBSE क्लास 9th और 10th दोनों के आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो केवल और केवल एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान में. और मेरे जो 9th क्लास के लर्नर्स हैं उसके लिए तो ये बेस्ट प्लान है बेटा. और दिस इज द रीजन आई वुड रेकमेंड यू गाइज टू काइंडली एनरोल फॉर 12 मंथ्स प्लान ताकि 9th के साथ साथ 12th की भी सॉरी 10th की भी सारी पढ़ाई इसमें कर सके. एंड मिस्टर पार्टी अगर आपके पेरेंट्स को थोड़ा सा कन्वीनियंट चाहिए तो आप इसको मंथली बेस पे भी पे कर सकते हो. फॉर 12 मंथ्स योर पेरेंट्स ओनली हैव टू पे 938 पर मंथ, दैट्स इट. एंड इस पर्टिकुलर कोर्स को अप्लाई बेटा एनरोल कराते टाइम प्लीज मेरा जो ये कोड है दैट इज श्रेष्ठा, ओके, इस कोड को जरूर अप्लाई करो सो दैट यू कैन गेट एन अमेजिंग 10% डिस्काउंट. और टीचर को क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा. और जो 12 मंथ्स है बेटा उसका जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, 11,250. सोच के देखो बेटा 9th और 10th सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे अगले एक साल तक बिना किसी रुकावट के. इन द प्लस कोर्सेज लाइव एज वेल एज रिकॉर्ड सेशन हम देख सकते हैं फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स, नोट्स तक मिलने वाले हमें. और ये सब कुछ कितने मिल रहा है, केवल 11,250. तो सोचिए देखो बेटा कितनी बढ़िया डील है. आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए वहां पे 11,250 में शायद एक सब्जेक्ट का फीस होता होगा, यहाँ पे दोनों क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिल रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल. डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हैं बेटा के पेरेंट्स, उसको आप EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं. UPI वॉलेट एंड नेट बैंकिंग भी चैनल से बेटा पेमेंट्स के. ओके, एट जस्ट अ मिनिमल कॉस्ट ऑफ 11,250 यू विल गेट अ चांस टू स्टडी from the top educators in the safe zone of your own respective homes. कितना अच्छा है ना बेटा, कितना आसान हो जाएगी लर्निंग और अपनी सक्सेस तो गारंटी होगी ही होगी. कितने बढ़िया टीचर्स हैं बेटा, बढ़िया एजुकेटर्स हैं वो आपको पढ़ाने वाले. और ये है बेटा Unacademy के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का डिटेल जहाँ पे CBSE 6 से लेकर के 12th तक के सारे बच्चे बेटा इस पर्टिकुलर प्लान के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए एनरोल करा सकते हैं, जहाँ पे आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे बेटा. इसके ऊपर से आपको मिलेगा आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर बनेंगे आपके पर्सनल मेंटोर. आपके लिए बेटा एक 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जाएगा एंड वी विल गारंटी दैट ऑल योर कंसर्न्स, ऑल योर इश्यूज और योर मेंटल ब्लॉक्स शैल बी रिजॉल्व कंप्लीटली एंड यू शैल मूव अहेड स्मूथली टू योर डेस्टिनेशन एंड सक्सेसफुली इन योर एकेडमिक्स, राइट. और उसके लिए आपको क्या करना है बेटा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए फटाफट से एनरोल कराना है यूजिंग माय रेफरल कोड दैट इज श्रेष्ठा. इसको मत भूलना. आप एनरोल करा रहे हैं, आपके ब्रदर सिस्टर कोई कजन है बेटा या फिर आपके आपके फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल में से क्लास में से कोई भी, अगर आपको पता चले कि वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज उनको बोलिए कि मेरा जो रेफरल कोड है दैट इज श्रेष्ठा उसको यूज करें सो दैट दे विल गेट अ 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली. मेरा रेफरल कोड यूज करो बेटा 10% डिस्काउंट के लिए. और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जो डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन के प्लान है बेटा 18 से लेकर के 36 मंथ्स तक के प्लान का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन है. एंड जितना लंबा ड्यूरेशन का प्लान आप लेते हैं आई मस्ट टेल यू दिस बेटा उतना ही ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलता है. सो आई वुड रेकमेंड दैट यू शुड गो फॉर एन 18 मंथ्स 24 मंथ्स और 36 मंथ्स सब्सक्रिप्शन प्लान जहां पे बेटा आपके पेरेंट्स चाहें तो मंथली बेसिस पे भी पे कर सकते हैं. एंड बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट बेटा फॉर सच अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस. होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए, गारंटीड सक्सेस अगर चाहिए अपने एग्जामिनेशन में तो फटाफट से एनरोल करा लीजिए बच्चा पार्टी. एंड मेरा कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना दैट इज नो श्रेष्ठा टू गेट एट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. श्रेष्ठा मेरा नाम भी है और मेरा रेफरल कोड भी है. एंड ऑफकोर्स दीज आर अगेन द सेम चैनल्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल. जो पेमेंट आपके पेरेंट्स को कन्वीनियंट लगे वो उसके थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं.
राइट एंड ये है हमारा चैनल, ये है आपका चैनल बेटा, जस्ट 9th एंड 10th, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चन, ऑल द क्वेरीज एंड ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव रिगार्डिंग योर क्लास 9th एंड क्लास 10th. सो अगर आपको अपनी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करना है तो क्या करना है बेटा, इस पर्टिकुलर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है. सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है. अब क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को, अपने स्कूलमेट्स को, क्लासमेट्स को, सबको बताना है बेटा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. और आपको पता है नॉलेज जो होती है वो बांटने से और ज्यादा बढ़ जाती है, मल्टीप्लाई होती चली जाती है. तो अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज में, रिलेटिव्स में, सबको बताइए बेटा टू जंप कम एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जस्ट 9th एंड 10th. और आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, बढ़िया से चैप्टर समझ में आ गया हो तो फटाफट से लाइक कर दो. लाइक करना बिल्कुल भूलना, बेल पर जरूर क्लिक कीजिएगा बेटा, ताकि डेली नोटिफिकेशन आप लोग के पास आने वाले सेशन के आते रहे, रिमाइंडर्स आपके पास पहुंचते रहे बेटा, ताकि कोई भी सेशन हमारा मिस होना नहीं चाहिए. राइट एंड अ वेरी जेंटल रिमाइंडर टू काइंडली यूज माई रेफरल कोड दैट इज श्रेष्ठ. वापस से रिमाइंड करा दूं, ये मेरा रेफरल कोड है श्रेष्ठ, SHRESHTHA. और यहां पे बेटा इसको अप्लाई करो टू गेट एन इंस्टेंट 10% ऑफ, चाहे अनअकैडमी का कोई सा भी प्लस सब्सक्रिप्शन हो बेटा, या फिर हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, सारे सब्सक्रिप्शन प्लान में, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए हो बेटा, या फिर स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, स्कूल यू नो कंटेंट के लिए हो, सिलेबस के लिए हो, जो भी आप ले रहे हो, चाहे आइकॉनिक हो या फिर प्लस हो, सब में आप मेरा कोड यूज कर सकते हो. तो अपने सारे फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, कजिन्स में, सबको बताओ बेटा टू यूज माई रेफरल कोड दैट इज श्रेष्ठा टू गेट अ गुड 10% डिस्काउंट, ताकि टीचर को मिलेगा साथ ही क्या मिलेगा बेटा, मोटिवेशन, एंड टीचर विल बी वेरी ग्रेटफुल. Right? On that note, I take my leave. Thank you so much for joining me today, beta. I'm going to see you tomorrow and day after tomorrow and day after that as well on your old channel, Just 9th and 10th, every evening 4 p.m. Thank you so much. Please do take a very good care of yourself. Thank you, beta.